हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रिया, इंडियन फूड विद प्रिया में आप सभी का स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ अरबी के पत्ते के पकौड़े, जिसे पात्रा, रिकवच और आलू वड़े भी कहा जाता है। तो चलिए इसको बनाने की शुरुआत करते हैं। पात्रा को बनाने के लिए मैंने ये अरबी के पत्ते ले लिए हैं और इसको पानी से धो लिया है, और बाद में इसके जो डंठल थे उसे मैंने कट कर दिया है। तो इस तरीके से हमें इसे कट कर लेना है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो पात्रा बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कटोरी बेसन। अब इसी में हम डालेंगे कुछ मसाले। तो इसमें मैं डाल दे रही हूँ 1/2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 चम्मच जीरा पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, स्वाद के अनुसार हरी मिर्च, कद्दूकस किया हुआ लहसुन, और फिर हम इसमें डालेंगे 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और स्वाद के अनुसार नमक, और 2 छोटे चम्मच हम डालेंगे शुगर पाउडर। सभी सूखे मसालों को हम बेसन में मिक्स कर लेंगे। मसाले डालने से अरबी के जो पकौड़े हैं बहुत टेस्टी बनते हैं। इसमें हम डालेंगे इमली का पानी, आप इसकी जगह पे नींबू का रस भी डाल सकते हैं। अब इसको हम मिला लेंगे और फिर बैटर बनाने के लिए हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके बैटर तैयार कर लेंगे। तो अभी हम इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और फिर इसको मिक्स करेंगे, फिर इसमें थोड़ा पानी डालेंगे और फिर मिक्स करेंगे, और इस तरीके से हम बैटर तैयार कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए मैंने बैटर तैयार कर लिया है। बैटर हमें गाढ़ा बनाना है, पतला नहीं बनाना है। अब इसी में मैं डाल दे रही हूँ हींग और इसको भी हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा पात्रा के लिए यानी अरबी के पकौड़े के लिए ये बैटर रेडी हो गया है। तो अब हम अरबी का एक पत्ता ले लेंगे और उसको इस तरीके से फैला लेंगे, और फिर हम इस पे बेसन का बैटर लगाएंगे। तो हाथों से हमें इसे लगाना है, आप चाहे तो चम्मच से भी लगा सकते हैं। तो इस तरीके से हम इसे फैलाएंगे और पूरे पत्ते पे हमें इसे फैलाकर लगा देना है। बैटर हमें गाढ़ा ही बनाना है, क्योंकि पत्तों पे लगाना आसान होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बैटर गाढ़ा ही लगाएं। एक पत्ते पे मैंने बैटर लगा लिया है, अब इसी के ऊपर हम दूसरा पत्ता रखेंगे। अब इसके ऊपर भी हम बैटर को लगा देंगे जैसे पहले मैंने लगाया था। तो फ्रेंड्स, ये देखिए दूसरे पत्ते पे भी मैंने बैटर लगा दिया है। अब इसी के ऊपर हम एक तीसरा पत्ता रखेंगे और इसके ऊपर भी हम बैटर लगा लेंगे। तो तीसरे पत्ते पे भी बैटर मैंने लगा लिया है। अब पत्ते को इस तरीके से मोड़ लेंगे और फिर किनारों पे हम बैटर को लगा देंगे, और बैटर लगाने के बाद इस तरीके से बैटर लगाने के बाद किनारे हम पकड़ेंगे और फिर धीरे धीरे हम उसको मोड़ लेंगे। तो इस तरीके से हमें फोल्ड कर लेना है। तो फ्रेंड्स, ये देखिए एक मैंने फोल्ड कर लिया है। अब दूसरा भी मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ, जिसमें मैंने बैटर पहले से ही लगा लिया है। तो ये देखिए इसको मैंने दूसरे तरीके से फोल्ड किया है। तो इसी तरीके से बाकी जो बचे हुए पत्ते हैं उसको भी हमें फोल्ड कर लेना है। अब मैंने इसको छन्नी में रख दिया है। कढ़ाई में मैंने पानी को पहले से ही गर्म कर लिया था। अब इसे ढक करके हम इसे 20 मिनट तक स्टीम करेंगे। तो फ्रेंड्स, 20 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये जो हमारा आलू वड़ी है वो अच्छे से पक गया है। अब इसको हम निकाल करके ठंडा करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये ठंडे हो गए हैं। अब हम इसे राउंड शेप में कट कर लेंगे। आप चाहे तो इसे ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन मैं इसे शैलो फ्राई करने वाली हूँ, जिससे ये और टेस्टी आएगा, कुरकुरा बन जाएगा। तो पहले हम इसको कट कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए पात्रा को मैंने कट कर लिया है। अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो तेल को मैंने पहले से ही गर्म कर लिया है। इसमें एक एक करके पात्रा हम रख देंगे और इसे हमें धीमी आंच पे ही फ्राई करना है। और एक तरफ जब ये सुनहरा कलर हो जाए तब हम इसको दूसरी तरफ पलट देंगे, और इस तरीके से अलट पलट के हम इसे फ्राई करेंगे, और इतना हमें फ्राई करना है ताकि खाने में ये क्रिस्पी लगे। तो ये हमारा पात्रा जो है फ्राई हो गया है। देखिए कितना अच्छा कलर भी आ गया है। अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी बचे हुए पात्रा को भी हम फ्राई कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, ये कुरकुरे अरबी के पकौड़े बनकर के तैयार हैं। आप इसे ऐसे ही खाइए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं, या आप अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ इंजॉय कर सकते हैं। आप इसे अरबी के पकौड़े, पात्रा, रिकवच, आलू वड़ी कुछ भी कह सकते हैं। तो इस तरीके से आप भी अपने घर पे अरबी के ये पकौड़े बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए कि मेरी ये
रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आती है तो इसे फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।